हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ चेतना मेकओवर। सो टुडे आई क्रिएटेड दिस ट्रेडिशनल रिसेप्शन ब्राइड। सो बिना किसी बकबक के चलते हैं वीडियो की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू क्लेंस माई फेस विद दिस वेट वाइप्स फ्रॉम स्विस ब्यूटी और इसको मैं अच्छे से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लूँगी। अच्छे से क्लीन हो जाने के बाद मैं अपने फेस को टोन करूँगी और टोनर के लिए मैंने यूज़ किया है गुड वाइप्स कुकुम्बर टोनर। टोनर अच्छे से ड्राई हो जाएगा उसके बाद मैं यूज़ करूँगी मॉइस्चराइज़र जो कि है सेटाफिल का। और मॉइस्चराइज़र को मैं अपने फेस पे अच्छे से अप्लाई कर लूँगी। अच्छे से अप्लाई करने के बाद इसको मैं अच्छे से फेस पे पेनिट्रेट कराऊँगी। जब मेरा मॉइस्चराइज़र अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएगा उसके बाद मैं यूज़ करूँगी लिप बाम ऑन माई लिप्स जो कि है ब्लू हेवन की। एंड अब मैं यूज़ कर रही हूँ प्राइमर जो कि है पर्पल का। मैंने एक ड्रॉप लिया है प्राइमर का और उसको मैं अपने अच्छे से फेस पे अप्लाई करूँगी। हमें बहुत ज़्यादा प्राइमर अप्लाई नहीं करना, हम बस एक ड्रॉप लेंगे प्राइमर की और उसको मैं अच्छे से फेस पे अप्लाई करेंगे। प्राइमर के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ पर्पल का ये फाउंडेशन पैलेट जिसको कंसीलर पैलेट भी बोलते हैं और उसमें से मैं ये एक आईवी शेड लेकर अपनी आईज़ के ऊपर अप्लाई करूँगी। मैंने अपनी आईज़ के ऊपर लाइट शेड इसलिए अप्लाई करा है ताकि मैं जो आई शेडो लगाऊँ उसके पिगमेंट्स अच्छे से उभर कर आए। अब एक छोटू सा ब्यूटी ब्लेंडर लेके मैं इसको अच्छे से ब्लेंड भी कर लूँगी। अच्छे से ब्लेंड हो जाने के बाद मैं यूज़ कर रही हूँ मेकअप रेवोल्यूशन का आई शेडो पैलेट। उसमें से मैंने एक ब्राउन कलर का ट्रांजिशन शेड अपनी क्रीज के ऊपर लगाया है विद द हेल्प ऑफ फ्लफी ब्रश। अच्छे से ब्लेंड करेंगे ताकि कोई सी भी लाइन क्रिएट ना हो। मैं अपनी क्रीज के ऊपर थोड़ा सा ऊपर भी ब्राउन कलर को अच्छे से ब्लेंड कर दूंगी। अब मैं लूंगी एक थोड़ा पर्पलिश ब्राउन शेड और उसको मैं अपनी क्रीज के ऊपर अप्लाई करूंगी और उसको भी मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी। अगेन मैं सेम कंसीलर लेके अपनी अपर फ्लैश लाइन के ऊपर अप्लाई करूँगी और उसको मैं अपनी आईज़ को ओपन करूँगी और ऊपर वो कंसीलर जो है लग जाएगा और वो मुझे गाइडलाइन मिल जाएगी अपनी हाफ कट क्रीज के लिए। मैं हाफ कट क्रीज बना लूँगी अपनी आईलिड पे। अब मैंने जो कंसीलर लगाया उसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। Now I am going to pick black shade from this Maybelline Blushed Palette और उसको मैं अपनी आउटर वी पे सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करते हुए लगाऊंगी। इस ब्लैक कलर को मैं अपने कंसीलर के साथ भी मर्ज करूंगी ताकि एक लाइन फॉर्म ना हो। अब मैं पिक करूंगी ये पिंक शेड और उसको मैं अपने सेंटर ऑफ आईलिड पे लगाऊंगी और उसको मैं ब्लैक कलर के साथ भी मर्ज करूंगी। पिंक कलर मैंने अच्छे से अप्लाई कर लिया है अपनी आईलिड पे।
नेक्स्ट मैं पिक करूँगी येलो शेड फ्रॉम मेकअप रेवोल्यूशन रिलोडेड पैलेट और उसको मैं अपनी इनर क्रीज पे अप्लाई करूँगी। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है स्टेक वर्की का आईलाइनर जो कि है लिक्विड आईलाइनर और उससे मैं एक स्लोप आईलाइनर ड्रॉ करूँगी। हमें एकदम से ही मोटा आईलाइनर नहीं ड्रॉ करना होता, हमें धीरे धीरे उसको अपलिफ्ट करना होता है। आईलाइनर अप्लाई हो जाने के बाद मैं यूज़ करूँगी सेम कंसीलर पैलेट में से ये ऑरेंज करेक्टर और उसको मैं अपनी अंडर आइज़ में अप्लाई करूँगी क्योंकि मेरी थोड़ी बहुत पिगमेंटेशन अंडर आई में है। मैं अपनी नोज़ और अपनी चीक्स पे भी थोड़ा सा अप्लाई करूँगी क्योंकि वहाँ भी थोड़ी बहुत मुझे पिगमेंटेशन लगती है। अब मैं अगेन इसको भी ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं पिक करूँगी कंसीलर। कंसीलर के लिए आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो स्किन टोन है उससे टू शेड डार्कर आपको एक कलर पिक करना है, कोई फाउंडेशन पिक करनी है जो आप एज अ कंसीलर यूज़ करोगे। और कंसीलर ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि जहाँ आपके प्रॉब्लम हो आप वहीं यूज़ करोगे, आपको फुल फेस पर कंसीलिंग करनी होती है। अब मैंने यूज़ करा है फाउंडेशन जो कि था मेबलिन न्यूयॉर्क का 24 आवर सुपर स्टे। नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है पैक का सुपरा कलर, उसमें से मैंने चाइनीज़ कलर पिक करा था और उसको वो मैं एज अ कॉन्टोर यूज़ करूँगी। सबसे पहले मैं अपने चीक्स को कॉन्टोर करूँगी। हमें अपने कॉन्टोर को बहुत आगे तक नहीं ले जाना चाहिए, जाना होता है हमें सिर्फ अपनी आईलिड होती है वहाँ तक हम अपने कॉन्टोर को लेकर जाते हैं। नेक्स्ट मैं अपनी कॉन्टोर करूँगी नोज़। अपनी जॉलाइन को भी मैं कॉन्टोर करूँगी। अब मैं अप्लाई करूँगी एक लाइटर शेड जिससे मैं अपनी क्रीम हाइलाइटिंग करूँगी अपनी अंडर आइज, फॉरहेड, नोज़, ब्रिज ऑफ माय नोज एंड अराउंड माय माउथ एंड। अब मैं यूज़ करूँगी एक लिपस्टिक जो कि है बायोटिक की और उसको मैं एज अ ब्लश अपने चीक्स पे अप्लाई करूँगी एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लिप कलर। अच्छे से ब्लेंड हो जाने के बाद मैं यूज़ करूँगी फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट और उससे मैं अपने पूरे बेस को लॉक करूँगी। मैं पूरे फेस पे कॉम्पैक्ट अप्लाई करूँगी, बस जहाँ जहाँ मैंने ब्लश और कॉन्टोर की है वहाँ मैं कॉम्पैक्ट अप्लाई नहीं करूँगी। अब मैं यूज़ करूँगी रिमल लंडन का ब्रॉन्ज़र। ये एक स्कल्पटिंग पैलेट है, इसके अंदर ब्रॉन्ज़र, ब्लशर और हाइलाइटर तीनों मिलता है। अब मैं ब्रॉन्ज़र पिक करके जहाँ जहाँ मैंने कॉन्टोरिंग की थी वहाँ वहाँ मैं ब्रॉन्ज़र को अप्लाई करूँगी। अच्छे से ब्रॉन्ज़र अप्लाई हो जाने के बाद मैं यूज़ करूँगी लैक्मे का 925 जेल लाइनर, उसको मैं अपनी लोअर वाटर लाइन पर अप्लाई करूँगी। लाइनर अप्लाई हो जाने के बाद मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का ये ब्लू लाइनर। ये लाइनर काजल दोनों की तरह काम करता है और उसको मैं अपनी लोअर लैश लाइन पे अप्लाई करूँगी और ये काफ़ी अच्छा लगता है इस पे अप्लाई हो जाने के बाद। अब मैं अपने फेस को सेट करने के लिए यूज़ करूँगी ग्लैम 21 का ये मेकअप सेटिंग स्प्रे। इसको अप्लाई करने के बाद का फेस पे काफ़ी अच्छा ग्लो आ जाता है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी लिपस्टिक जो कि है पर्पल और एक स्विस ब्यूटी की और मैंने ये अप्लाई करी थी, मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी थी तो मैंने बाद में लिप कलर जो है चेंज कर लिया था।
नेक्स्ट मैंने यूज़ किया है हाईलाइटर जो कि है मेबलिन का, एंड इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल हाईलाइटर। इसको लगाने के बाद काफ़ी अच्छा ग्लो आता है हमारे फेस पर, बिल्कुल नेचुरल लगता है। मैं अपनी ब्रिज ऑफ माई नोज़ को भी हाईलाइट करूँगी एंड माई मेकअप इज़ डन एंड हेयर इज़ द फाइनल लुक। आई होप आपको ये मेरा मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आया है। अगर आपको मेरा मेकअप ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को भी ज़रूर हिट करना ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ आपका नोटिफिकेशन आ सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।